सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भिवंडी शहर में विक्टोरियल इंग्लिश स्कूल का पहला एनुअल प्रोग्राम शानदार तरीके से संपन्न हुआ। सोमवार भिवंडी शहर के फरहान हॉल में अविला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक चलता रहा, जिसमें भिवंडी शहर की नामी इग्रामी हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता व स्कूल स्टाफ अन्य लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी के नेता जावेद फारूकी थे। अतिथि के रूप में भिवंडी मनपा के नगर सेवक संतोष सेट्टी और कांग्रेस के माइनॉरिटी के प्रवक्ता इकबाल अहमद, रेहाना अंसारी, अरबीना अंसारी, एक्स प्रिंसिपल ताहिरा मैडम शामिल रहे। इस वार्षिक समारोह में जूनियर, सीनियर एंड नर्सरी के छोटे छोटे बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विक्टोरियल इंग्लिश स्कूल का ये पहला एनुअल प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने स्पोर्ट, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, अन्य प्रकार के स्पर्धाओं का भाग लिया, जिसमें विजेताओं को मेडल एंड ट्रॉफी अतिथियों के हाथों से देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। इस एनुअल प्रोग्राम में विक्टोरियल इंग्लिश स्कूल के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने कड़ी मेहनत करके यह कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। मुख्य अतिथि जावेद फारूकी ने अपने भाषण में कहा, एक वक्त का खाना नहीं खा पाए चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अतिथि संतोष सेट्टी ने कहा, भिवंडी शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो रोज़गार आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अंतिम में दोनों अतिथियों ने स्कूल के किसी प्रकार की मदद लगती है तो मदद देने का आश्वासन किया। इस कार्यक्रम के आयोजक अविला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष वैशाली मैडम, विक्टोरियल इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल तरन्नुम अंसारी, सोशल वर्कर नज़ीर अंसारी, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अन्य कई सम्माननीय लोग शामिल रहे। स्कूल की तरफ से सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। ियन इंग्लिश स्कूल में आए हुए सभी मेहमानों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे स्टेज पे बैठे हुए हमारे संतोष सेट्टी, रेहाना मैडम, इकबाल सिद्दीकी, नजीर अंसारी और जिन लोगों का नाम नहीं लिया हूँ मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मैं इस स्टेज से कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ। पेरेंट्स, जो भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जरा सा शांत हो जाएंगे तो शायद मेरी बात उन तक पहुँचेगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा इन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादातर अक्सर यही रहता है कि वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आज की डेट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो शिक्षा है, जो हम लोग बहुत पीछे। आज लड़कियों को हम 10वीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद घर बिठा देते हैं कि नहीं ये बच्ची अभी शादी होगी चले जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आज की डेट में सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो वो है एजुकेशन। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइम खाना कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप घूमने पे मत ध्यान दो लेकिन बच्चों के ऊपर ध्यान दो। आज हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हमने उनके ऊपर
ध्यान नहीं देते, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा बाहर घूमते रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा अगर घर से बाहर निकलता है तो प्रतिदिन आधा घंटे में हमारे बच्चे के ऊपर ध्यान रहना चाहिए कि मेरा बच्चा बाहर खेल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं फालतू जगह पे खेल रहा है। तो सभी पेरेंट्स से, सभी माँ बाप से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और आज ये प्रोग्राम में मुझे चीफ गेस्ट चुनकर बुलाया गया है और मैं यही कोशिश करूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये मेरी बात उनके कानों तक पहुंचे और इस पे अमल करें।